नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी सियासी खबरें। देश के लोकसभा चुनाव में आज चौथे चरण का मतदान हुआ। कुल 72 सीटों पर मतदान हुआ। 2014 के नतीजे देखें तो इन 72 में से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, जबकि 2 कांग्रेस के पास। अमूमन किसी भी चरण का मतदान होता है तो हम वीवीआईपी कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं। इस चरण में मुंबई में वोट पड़े, यानी उर्मिला, पूनम महाजन, प्रिया दत्त, इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। यूपी की बात करें तो डिंपल यादव बनाम सुब्रत पाठक कन्नौज का मुकाबला, ये भी आज दर्ज हो गया। और कानपुर में सत्यदेव पचौरी बनाम श्रीप्रकाश जायसवाल का मुकाबला। और बिहार की सबसे चर्चित सीट बेगूसराय, यहां पर भी लोगों ने तय कर लिया कि उनके सांसद गिरिराज सिंह होंगे, कन्हैया कुमार या फिर तनवीर हसन। चुनाव आता है तो एक चलन आता है, उंगली पर लगी स्याही दिखाने का चलन। और जब मुंबई में वोट पड़ता है तो सेलिब्रिटीज की सेल्फीज की भरमार हो जाती है। आप इन सेलिब्रिटीज की सेल्फी देखिए, लेकिन सबसे आखिरी में मेरे गांव चमारी, जो कि उरई जालौन लोकसभा में पड़ता है, वहां के नौजवानों की सेल्फी देखिए, क्योंकि ये गांव देहात के लोग हैं जो ज्यादा उत्साह से और ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए भरपूर उम्मीद के साथ वोट डालते हैं। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर। पश्चिम बंगाल में हर चरण में हिंसा की खबरें आ रही हैं। आज आसनसोल की सीट पर भी चुनाव था। यहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सिंगर और मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो मैदान में हैं। और इन्हें चुनौती देने के लिए पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने मैदान में उतारा पूर्व सिनेतारिका मुनमुन सेन को। आसनसोल में स्थिति लगातार खतरनाक बनी हुई थी और आज वोटिंग शुरू होते ही हिंसा की खबरें आने लगी। इल्जाम सत्तारूढ़ दल पर लगे। बाबुल सुप्रियो बीजेपी के कैंडिडेट, उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया गया, उनका शीशा तोड़ दिया गया। कुछ टीएमसी समर्थकों ने कहा कि बाबुल सुप्रियो अपने समर्थकों के साथ पोलिंग बूथ के अंदर गए थे, लेकिन जो वीडियो सामने आए उसमें तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गुंडई करते नजर आ रहे हैं। अमूमन चुनाव में बद इंतजामी होती है तो उसको रिकॉर्ड करने का और उसको आयोग समेत जनता के संज्ञान में लाने का काम करता है मीडिया। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, इसका एक नजारा आप यूं भी समझें कि इंडिया टुडे की पत्रकार मनोज्ञा लोयवाल जब वहां हो रही हिंसा को कवर कर रही थी, तब सत्तारूढ़ दल के लोगों ने उन पर भी हमला किया। पांडवेश्वर में थे हम लोग, बार बार एक अलग अलग बूथ पर जा रहे थे जानने के लिए कि आखिरकार ग्राउंड पर क्या हो रहा है। वहाँ से जब निकल रहे थे तो क्योंकि बाबुल सुप्रियो का कॉन्वॉय उसके आगे था, बार बार उनके खिलाफ जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की झड़पें हो रही हैं, जमीन पर आपको दिख रही हैं, लेकिन जब जिस दिन मतदान होता है उस दिन ये लड़ाई सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा कुरूप धारण कर लेती, अगर आप ये कहें, क्योंकि ये इस समय वर्चस्व की लड़ाई है, सर्वाइवल की लड़ाई है। हम उस बूथ पर थे, बूथ से निकल रहे थे, पहले कुछ लोगों ने मारा, हमने नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि धक्का मुक्की हो ही सकती है, लेकिन जब तक 2-3 के चेहरे ढके हुए थे, समझ नहीं पा रहे थे। इतनी गर्मी में कई लोग मुँह ढकते भी हैं क्योंकि गर्मी से परेशान होते हैं। जब बाहर आए तो फिर से, जब हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे गाड़ी में, उसके बाद फिर 2-3 लोगों ने मारा पलट के, जब तक हम लोग उनको मारते, माइक से उनको हटाते, तब तक ऑलरेडी काफ़ी हमें और हमारे कैमरा पर्सन को मार चुके थे। ये पहली घटना नहीं है जब मारपीट हुई है, लेकिन बार बार मीडिया पर अटैक करना, उन्हें टारगेट करना, खास तौर से उनके लिए जो आवाज़ उठाते हैं, मैंने रिपोर्टिंग यहाँ 2002 से की है, सिंगूर आंदोलन भी किया है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस समय विपक्ष में थी, उनके साथ यहाँ पर रिपोर्टिंग की है, सिंगूर में 30 दिन का धरना, 26 दिन के धरने पर बैठी थी, तब थे, नंदीग्राम में थे। लेकिन आज अगर वही बात वही सच्चाई के साथ अगर हम दिखाएं तो हम गलत हो चुके हैं। ममता बनर्जी के खैरख्वाह कह सकते हैं कि उन पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं। चुनाव आयोग केंद्रीय संस्था है, केंद्रीय पुलिस बल भेजा जाता है, पर लोग याद रखें, उन केंद्रीय पुलिस बलों को बूथ पर तैनात करने की जिम्मेदारी राज्य पुलिस के आला अफसरों की होती है। पश्चिम बंगाल में इस तरह का इल्जाम लग रहा है कि पर्याप्त सेंट्रल फोर्स होने के बावजूद या तो उन्हें तैनाती नहीं दी गई या ऐसे बूथ पर तैनाती दी गई जो ज्यादा संवेदनशील नहीं है, और जहां पर राजनीतिक हिंसा की आशंका है वहां पर राज्य पुलिस बल को तैनात किया गया, ऐसे लोगों को जिनके पास हथियार के नाम पर सिर्फ लाठियां हैं, या फिर कई जगह महिला पुलिस को तैनात करके काम चला लिया गया। राजनीतिक इतिहास में जब भी पश्चिम बंगाल का जिक्र आता है तो सत्तारूढ़ दल की सुनियोजित हिंसा की बात होती है। पहले इल्जाम वाम दलों पर लगे थे,
उनको सत्ता से हटाकर राइटर्स बिल्डिंग पर काबिज हुआ तृणमूल कांग्रेस। अब यही इल्जाम उन पर लग रहे हैं। देश पंचायत चुनाव के दौरान आए हिंसा की वीडियो भूला नहीं है, और जब भी आप ये वीडियो देखें तो याद रखें कैमरे पर सब कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। हालात इससे कहीं ज्यादा खराब है। कभी चाकू घोंपा जाता है, कभी डराया धमकाया जाता है। कुल मिलाकर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। हमारे साथी, हमारे रिपोर्टर विनय सुल्तान पिछले 72 घंटे से पश्चिम बंगाल में हैं। वहां पर उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे वो टेक्स्ट रिपोर्ट में तो दर्ज कर ही रहे हैं। हमने उनसे कहा कि लल्लन टॉप शो के दर्शकों को वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। हम लोग 3 दिन से आसनसोल में घूम रहे हैं। इस दरमियान हमने महसूस किया कि यहाँ के आम आदमी कैमरे पर टीएमसी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने में खौफ ज़्यादा है। यहाँ पे विपक्ष के नेताओं ने हमसे कहा था कि आप देख लीजिएगा, चुनाव के दौरान यहाँ पे लाजमी तौर पर हिंसा होगी, और यही आज सुबह से हमने देखा। यहाँ के 7 विधानसभाएँ पड़ती हैं इस आसनसोल लोकसभा सीट में, और 7ों विधानसभाओं पर भयंकर हिंसा की वारदातें हुई हैं। सबसे ज़्यादा हिंसा की वारदातें पांडवेश्वर में हुई है। ये इलाका जितेंद्र तिवारी यहाँ से विधायक हैं, जो कि टीएमसी के बड़े नेता हैं इस इलाके में, और उनके इलाके में सबसे वारदातें देखने को मिली हैं। लगभग 7ों विधानसभाओं में बूथ कैप्चरिंग, इसके अलावा पोलिंग एजेंट्स को बाहर भगाना और वोटर्स के साथ में मारपीट की घटनाएं हमको देखने को मिली हैं। अभी तक बंगाल में ये होता था कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या राजनीतिक कार्यकर्ता आपस में लड़ भिड़ जाते थे, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है। और लल्लन टॉप शो में अब बारी है लल्लन टॉप की चुनावी रफ्तें देखने की। पर सबसे पहले ये तो जान लीजिए कि लल्लन टॉप के 6 जियाले देश के नक्शे पर कहां-कहां पहुंच गए हैं। टीम हीरा है इस वक्त राजस्थान के बीकानेर शहर में, नमकीन का शहर, नमकीन और मीठे लोगों का शहर। टीम मोती महाराष्ट्र का दौरा पूरा कर चुकी है और इस वक्त है देश की राजधानी दिल्ली में। टीम गंगा उत्तर प्रदेश में बाराबंकी इलाके में है, और मैं इस वक्त जिस टीम के साथ जुड़ा हूं वो टीम जमुना है, उरई जालौन लोकसभा में, यानी मेरी पैदाइश की जगह पर। और जहां से मैं ये शो शूट कर रहा हूं उस जगह का नाम है ग्राम चमारी। अपने घर की देहरी पे खड़े होकर आज आपको लल्लन टॉप खबरें पहुंचा रहा हूं। 2 टीमें और हैं, टीम सुल्तान जो पश्चिम बंगाल के आसनसोल इलाके में है, और टीम तूफान बिहार के मधुबनी इलाके में। जब हम लोगों को गणित की कक्षा में या सांख्यिकी की कक्षा में ग्राफ पढ़ाए जाते हैं तब 2 तरह की ग्रोथ रेट की भी बात होती है, एक लीनियर सीधी दिशा में चलने वाला और एक्सपोनेंशियल कई गुना रफ्तार से बढ़ने वाला। भारत में जब भी विकास की बात होती है तो बार बार कहा जाता है 100 लोगों के लिए योजनाएं बनती हैं, लेकिन तब तक देश की जनसंख्या 1000 बढ़ चुकी होती है। हमारी टीम जमुना की रिपोर्टर प्रतीक्षा बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार कालपी में थी, यहाँ के जिला अस्पताल पहुंची, लेबर रूम के बाहर पहुंची, कई महिलाएं, कई आशा दीदियां आई हुई थी प्रसव करवाने के लिए। उनसे बात हुई जनसंख्या के बारे में, गांव समाज के लोग क्या सोचते हैं। आप ये आंखें खोल देने वाला बयान देखिए। क्या क्या वजह रहती है कि जनसंख्या ज्यादा है? अरे मैडम, मुसलमानी एरिया है, वो लोग ऑपरेशन नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते, क्या कहते हैं? कि हमारे मजहब में नहीं है तो हम कैसे करवाएं। मजहब में नहीं है, हम पाप नहीं कमाना चाहते। आपको क्या लगता है इस बारे में? मैडम, हमें तो लगता है गलत है ये सब। अब पहले की सोच अलग थी, अब जो सोच बदली, फिर भी हमने 2-4 लोगों करवा दिया जबरदस्ती। आपको लगता है कि ऑपरेशन होना चाहिए? होना चाहिए, और ना ऑपरेशन हो तो अपने ऐसे इंतजाम रखे। इतने बच्चे होते हैं, मतलब एक घर में अगर मैं औसत 4 है, कोई के 3 है, कोई के 5 है, ऐसे मतलब अपने 2-4 बच्चे अपने हो गए आदमी के, बस क्या करने हैं। अपने अपने हिसाब से आदमी ने कर लीजिए कोई जितनी ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन करवा लेना चाहिए औरतों को? ऑपरेशन में डर लगता है, आदमी मर जाए फिर कौनों कहता हमारे मजहब में हो, अब हमारे मजहब में ये ना हो। अब हमें 2-4 बच्चन की अपने है ख्वाहिश हो गए काम करते। बुंदेलखंड, इस शब्द का उच्चारण करते ही लोगों के जेहन में आता है बिहार। फिर रोमांटिसिज्म से भरी कुछ तस्वीरें बनने लगती हैं बैंडिट पीन और पान सिंह तोमर के हवाले से, मगर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खुरदुरी और क्रूर होती है। कालपी में एक गांव है यमुना पट्टी के किनारे, स्थानीय लोगों से पूछा तो बोले हाँ निषादों का गांव है, गांव का नाम गुढ़ा का पुरवा। इस गांव में हम पहुंचे, सबसे पहले तो तसल्ली बख्श चीज दिखी, गांव में स्कूल बन चुका था, सड़क पहुंच चुकी थी। फिर वहां पर हमारी मुलाकात हुई मशहूर डकैत, मशहूर सांसद, मशहूर शख्सियत फूलन देवी की माँ मुला देवी से। उन्होंने दुनिया जहान की शिकायतें गिनवा दी और उनके अपने तई फूलन देवी की जिंदगी का जो संस्करण है वो भी सुना दिया।
फूलन ने तो उम्मीद से ब्याह कर लो तो बहु नेता बन गो, बहुत ध्यान नहीं रखा तुम। कुआ में गिरे जहाँ नाथ भाई, जहाँ फूलन गई था वहाँ उचलो जाओ, हमें कह लेनी देनी। जब संपत्ति हड़प कर ली तो कह लेनी देनी। अरे तो मैं खा तो फूल नहीं के नाम की रहे, माता जी को ख्याल नहीं रख। वो की ठठरी बन गई, हम क्या करें। तुम कहियो डुकरिया गुरशब्द, सब सब संपत्ति खा गो मरवान, वो शामिल मर गए, वो मर जाए कौन बने रही है। हाँ लड़की, तुम कह रहे कि वो मरवावे में शामिल है, और क्या कहा है, सब कहीं में शामिल है। जब जब लड़की का अंत पंत चले, वो लड़की गेट में मरी डरी रही। बिहार का एक और गांव नाम देवकली। देवकली की तरफ जाते हुए हमें खेत नजर आए, खेतों में मड़ैया यानी कि झोपड़ी नजर आई, और झोपड़ी में नजर आए होमो सेपियंस। आप कहेंगे कि हमने नागरिक शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। मैं कहूंगा कि इस तरीके की जुमलेबाजी करने से पहले इनकी स्थिति देख लीजिए, इनकी सोच देख लीजिए, इनकी दशा देख लीजिए, और उसके बाद नागरिक शास्त्र की सारी परिभाषाएं इनके ऊपर थोप दीजिए। तो जब पता है तुम्हें चुनाव आने वाले हैं। हाँ। कब है चुनाव? चुनाव कल है। कल चुनाव। हाँ। काय को चुनाव है जो जे उसका है का नाम नहीं आ रहा है। अरे ध्यान नहीं आ रही। काय को चुनाव है रजन जो? कल जोन है। हमने बता पाए, हम भाई साहब अलग है। अलग है। हाँ, नहीं मालिक जानते नहीं है, वोट डालने वोट डाल दें, हम जाने नहीं है तो हम क्या बता दें तुम्हें। तो फिर वोट का हिसाब से डाल रहे थे। अरे जब तुम जानते ही नहीं है तो वोट, पहले बात सुनो। हाँ बताओ। वोट डालने को है, जब चुनाव पर रहे हैं तो वोट डाल दें हम। हम क्या जाने कौन के वोट पर रहे, क्या हुए रहो। को चुनाव लड़ रहे हो रही से? हाँ। तो भाई लोकसभा से? लोकसभा से। अब हम जी ने बता सको लड़ रहा हूँ, मैं लड़ रही हूँ। कौन पार्टी को माहौल दिख रहे थे? पार्टी के समय मोदी को दिख रहा हूँ। मोदी को दिख रहा है। हाँ। आपका बस काय का मतलब इतनी है बस, मोदी इतना कर रहा है कि थोड़ा हार्वेस्टर पे रोक लगा। अरे हम श्रीपाल जब पूछ रहे काय दिख रहा हूँ मोदी को, तुम्हारे हिसाब सोचा तो नहीं आदमी बैठ के चर्चा कर रहा है। इसलिए कि काम ठीक कर रहा हूँ अपना। हाँ काम ठीक कर रहा हूँ, मतलब सबका घरन घरन कैसे बंटवा रहा हूँ, कौन के मतलब सब सब दे रहा हूँ। नहीं कि थोड़ी कम जी है कि थोड़ा और कर लिए विकास जितने हाई और। सुनीता देवी की सबसे बड़ी बेटी 15-16 साल की है, और इन लोगों का कहना है कि हम आसों ब्याह करवाने जा रहे हैं, मतलब जई साल 14 मई के शादी है। तो अबे तो मौली 18 की नहीं भाई, फिर ब्याह कैसे कर रहे हैं? 14 मई का है तो अबे तो बिटिया तुम्हारी 18 साल की नहीं भाई। अरे तो क्या कर रहे हर खेत में रहा है बाबू जी, सही करने पर ये खेत में रहते हैं, समय से लड़की की शादी करनी पड़ेगी, अपने घर जाए। तो क्या करत लड़का यहाँ ब्याह करे आए है? यहाँ संबंध है करे, मोड़ा का करत वो मोड़ा करा ये ठिलिया लिया लगा उस सब। कहाँ ठिलिया लगा? कानपुर में। कानपुर में ठिलिया लगा। आज के लल्लन टॉप शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, और सबसे ज्यादा ख्याल रखिए इस देश का जो हमेशा आपका ख्याल रखता है। लोकतंत्र को मजबूत करिए, वोट जरूर डालिए, सही को चुनिए ताकि आगे आने वाला वक्त सही रहे। शुभ रात्रि।